नमस्ते एंड वेलकम सभी को। आज का सेशन हम बैठ के स्टार्ट करेंगे। सब लोग सुखासन में आ जाएंगे जगह पे एंड सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए सर नीचे लेंगे, चेस्ट को अंदर की तरफ खींचेंगे एंड इनहेल टू एंड एक्सहेल, इनहेल थ्री एंड एक्सहेल एंड सेंट्रल पोजिशन में आएंगे। न्यूट्रल में लेफ्ट लेग से राइट नी पकड़ेंगे, राइट हैंड पीछे, चेस्ट ओपन एंड जेंटली ट्विस्ट करेंगे। होल्ड थ्री टू एंड वन, स्लोली स्विच। राइट हैंड से लेफ्ट नी पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे, चेस्ट ओपन, स्पाइन स्ट्रेट एंड ट्विस्ट। थ्री टू एंड वन, स्लोली बैक। राइट हैंड को राइट साइड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड अप एकदम स्ट्रेट एंड राइट साइड में जेंटली बेंड करेंगे, हेड को टर्न करके ऊपर देखेंगे। फाइव फोर थ्री टू एंड वन, स्लोली बैक। लेफ्ट हैंड डाउन एंड राइट हैंड अप एंड लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे, हेड को टर्न करके ऊपर देखेंगे। फोर थ्री टू एंड वन, स्लोली बैक। दोनों के आपके हाथों के और घुटनों के ऊपर आ जाएंगे वज्री आसन के लिए, कैट काउ पोज। हिप को हल्का सा नीचे पुश करेंगे और सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे एंड सांस छोड़ते हुए डाउन, चेस्ट को अंदर की तरफ खींचेंगे एंड इनहेल टू, सांस लेते हुए अप एंड एक्सहेल डाउन। इनहेल थ्री अप एंड एक्सहेल डाउन एंड स्लोली न्यूट्रल पोजीशन पे आएंगे। टांगों को थोड़ा पास लेके आएंगे एंड नीज थोड़ी सी वाइड पीछे की तरफ बैठेंगे, हाथ सामने की तरफ एंड चिन जमीन पे लगाने का ट्राई करेंगे एंड होल्ड। फाइव फोर थ्री टू एंड वन, स्लोली सामने की तरफ जाएंगे एंड बेली के ऊपर टोज पॉइंटेड, एल्बोस को जमीन पर रखेंगे एंड इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे। होल्ड फाइव फोर थ्री टू वन एंड स्लोली हेड न्यूट्रल पोजीशन पे। अब शोल्डर्स को एक ही लाइन में रखेंगे एंड लेफ्ट साइड टर्न होके राइट एंकल या हील को देखेंगे। होल्ड थ्री टू वन एंड स्लोली स्विच साइड, दूसरी साइड में राइट शोल्डर के ऊपर से लेफ्ट एंकल को देखेंगे या हील को। होल्ड थ्री टू एंड वन, स्लोली बैक। हाथों को साइड में लगाएंगे एंड अप ऊपर आएंगे डाउनवर्ड डॉग में, पर्वतासन अधोमुक्षमानासन एंड जेंटली हील्स को अप एंड डाउन मूव करेंगे, स्ट्रेच फील करेंगे काफ्स पे, आपकी थाइस में, हैमस्ट्रिंग्स में। फाइव चेस्ट को अंदर की तरफ पुश करते रहेंगे। फोर थ्री टू एंड वन, नीज को दोबारा नीचे ड्रॉप करेंगे एंड टोज पॉइंट करते हुए भुजंगासन में आएंगे, ऊपर देखेंगे, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, एल्बोज पीछे की तरफ पॉइंटेड। फाइव फोर थ्री टू एंड वन,
एंड स्लोली अप, वापस से डाउनवर्ड डॉग में आएंगे एंड सामने की तरफ वॉक करेंगे, नीज बेंट, एल्बोस को लॉक करेंगे एंड साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे जेंटली, 5, 4, 3, 2 and 1, दोनों हाथ जमीन पे, घुटना बेंड करके वज्रासन में आएंगे, टोस पॉइंटेड एंड वज्रासन में कमर सीधी एंड होल्ड, 3, 2 and 1, दोनों हाथ साइड से पीछे की तरफ जमीन पे लगाएंगे, शोल्डर को ओपन करेंगे, चेस्ट को हल्का सा आर्च एंड हेड को पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे, होल्ड, 3, 2, 1 एंड स्लोली बैक, टर्न ओवर सुखासन में बैठेंगे एंड राइट लेग को सामने की तरफ, तो उसको फ्लेक्स रखेंगे, स्पाइन सीधी एंड एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, घुटने को सीधा रखने का ट्राई करेंगे ताकि मैक्सिमम हैमस्ट्रिंग में और काफ्स में आपको स्ट्रेच फील हो, होल्ड, अगर आप टो पकड़ के खींच सकते हैं तो टो भी खींच सकते हैं पीछे, 5, 4, 3, 2, 1, इनहेल अप एंड पांव स्विच करेंगे, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग इन, टोस फ्लेक्स्ड, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ एंड 5, 4, 3, 2 and 1, इनहेल अप, दोनों पांव सामने, स्पाइन स्ट्रेट, इनहेल एंड एक्सहेल सामने की तरफ एंड होल्ड, 5, 4, 3, 2 and 1, अप एंड सुखासन में बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, स्पाइन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, फेस रिलैक्स, डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे, गहरी सांस लेंगे 5 बारी एंड स्लोली आंखें बंद, इनहेल 1 and exhale. Inhale 2. And exhale. Inhale 3. And exhale. Inhale 4. And exhale. Inhale 5. And exhale. Slowly हाथों को साथ मिलाएंगे, हाथों को रब करेंगे, घर्षण करेंगे हाथों का, हल्का गर्म करके आंखों पे लगाएंगे एंड स्लोली आंखें खोलेंगे. धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.